दोस्तों आईटीआर भरने वालों के लिए थोड़ी राहत, वित्त मंत्रालय को भेजा गया नया पत्र, मिल सकती है ये खुशखबरी। अगर आप भी जानना चाहते हो कि क्या है खुशखबरी तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। वित्त वर्ष 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आईटीआर फाइल करने वालों की तारीख अब नजदीक आ जा रही है। ऐसे में जुर्माने से बचने के लिए 31 जुलाई 2023 से पहले पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बहुत ही जरूरी है। आईटीआर फाइल करने की तारीख आधी तारीख पर आने के कारण देश में इसकी अवधि बढ़ाने की मांग हो रही है। लॉयर्स टैक्स बार एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि देश भर के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार को वित्त वर्ष 22-23 के लिए आईटीआर फाइल की अवधि बढ़ाने की मांग पर ध्यान देना चाहिए। संघ ने सरकार से देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए करदाताओं की सुविधा के लिए इस आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया है। लॉयर्स टैक्स बार एसोसिएशन के अलावा देश में टैक्स प्रोफेशनल के सबसे पुराने और सबसे बड़े संगठन सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने भी हाल ही में वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की है। संघ ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार से इसकी मांग भी की है। यूनियन ने वित्त मंत्री से बातचीत करने के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 1 महीने बढ़ाने की मांग की है। लॉयर्स टैक्स बार एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में संघ ने मांग की है कि दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। यूनियन ने लिखा है कि जैसे कि आप जानते हैं, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर इनकम टैक्स ऑफिस समेत कई दफ्तर भी बंद हैं। ऐसे में करदाताओं को आखिरी तारीख तक आईटीआर दाखिल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जीएसटी और आईटीआर की समय सीमा भी उपलब्ध है, इसलिए संघ ने सरकार से अपेक्षा की है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आईटीआर की अवधि 1 माह और बढ़ा दी जाए ताकि टैक्स पेयर को समय मिल सके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, खास बात तो यह है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बेहद ही खराब है। आयकर विभाग ने 19 जुलाई 2023 को जानकारी दी है कि अब तक 4 करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं ने आईटीआर दाखिल कर दिया है। साथ ही विभाग ने कहा है कि यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस साल यह आंकड़ा 7 दिन पहले हासिल किया गया है। इनमें से 3 पॉइंट कुछ का ई सत्यापन किया जा चुका है और 2 पॉइंट कुछ का आईटीआर संसाधित किया जा चुका है। आईटीआर विभाग ने लोगों से जल्दी आईटीआर रिटर्न करने की अपील की है। दोस्तों अब तक 30 मिलियन से भी अधिक करदाताओं ने आईटीआर रिटर्न दाखिल किया है। इससे पता चलता है कि लोग अपने करदाताओं के अनुरूप टैक्स रिटर्न जमा करने में लगे हुए हैं। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने आईटीआर फाइल किया है या नहीं।